तुम बहुत पते की सुन लो, हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम राम कृष्ण के बिंदु हैं, पर हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हिंदू का मतलब कोई वर्ग नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल धर्म नहीं, हिंदू का मतलब पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनको सिखाने के लिए एक जीवन शैली का नाम ही हिंदू है। हिंदू का मतलब हिंद महासागर के पास रहने वाले जितने लोग हैं वो सब हिंदू हैं। हम भारत में रहते यहां रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है और ईसाई भी हिंदू है, वो बात अलग है कि वो अपने आप को भूल गए, क्योंकि हिंदुस्तान के नजदीक तो हिंदू ही रहते हैं, मुसलमान तो अरब और इराक में मिलेंगे। यहां तो रहने वाले मुसलमान भी उनके दादा के परदादा के दादा श्यामलाल और रामलाल ही मिलेंगे। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। लोगों को लगता बाबा बड़ा विस्फोटक है, लोगों को लगता बाबा बवाल करता है। लोग एक अभी हमको पत्रकार मिले, बोले आप तो कट्टरपंथी विचारधारा के लगते हो। हमने कहा ठटरी के बड़े, कट्टर का मतलब ये नहीं है, नकटा कट्टर का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी पर हिंसा करनी है, कट्टर का मतलब ये है कि हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद, हमारे मंदिरों को लैंड जिहाद के चक्कर में फंसाओगे तो हम सड़कों पर उतर करके तुम्हें जवाब देंगे। इसलिए रंग रंग में हिंदू के कार्यक्रम में आए हुए इंदौर के लोगों, इस देश में आज तक मुगलों ने और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी कूटनीति रची थी हिंदुओं को तोड़ने की, कमर को तोड़ने की, पैर को तोड़ने की, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की, वो काम किया था जातिवाद के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। हमें लगा कि अगर कोई दलितों की आवाज कोई दलित उठाएगा तो बड़ी नहीं होगी। हमें लगा कि हम एक मंदिर के छोटे से सेवक भी हैं, वर्ण में भी हैं, लेकिन हम सबसे पक्के पहले कट्टर हिंदू हैं। हम पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे। और मेरे भारत के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता को पुनः स्थापित करना है, इस देश को बांग्लादेश होने से बचाना है, तो हमें भेदभाव और जात पात से ऊपर उठ करके हिंदुओं को एक हर हाल में होना ही पड़ेगा। और आज एक नई बात लेकर के हम आए हैं। हम भूल गए तो हम कम हो गए, हम भेदभाव में बट गए तो हम कम हो गए। इंदौर के हिंदुओं, बहुत चिंतनीय विषय है, सुरिनाम, बर्मा, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस, नेपाल। एक बहुत पहले गीत चलता था फिल्मी दुनिया में, आपने शायद सुना हो, हम तो रेडियो वाले गांव के आदमी, हमारे पिताजी रेडियो चलाते थे तब सुन लेते थे। एक गाना बजता था, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। वो रंगून में भी हिंदू रहते थे, बर्मा में भी हिंदू रहते थे, आज इतने से बचे। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, भारत से भटकर के अलग हुआ था टुकड़ा, 22% हिंदू थे, वर्तमान में 2% से भी कम बचे हुए। इंडोनेशिया में हिंदू थे, बचे ही नहीं है। और तो छोड़ो, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, रहा ही नहीं। और यहां भी तुम नौ राज्य, त्रिपुरा, मेघालय, असम, केरल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी आशा से आसिया हो जाएगी, शुभम साहिल हो जाएगा, तब तुम्हें हमारी बात याद आएगी कि बाबा ठीक कह रहा था। इसलिए रंग रंग के कार्यक्रम में इस प्रदेश के हमारे प्रिय विनोद अग्रवाल जी, उनकी पूरी टीम, उनके साथी, और सुमित जी जो हमें लेकर के आए, कहां भग गए, इन्हें ले आओ जी जबरदस्ती, हमें जो लेके आए इन्हें तो पहले ही मंच पे स्वागत फूलमाला से करवाओ। तो जो हमें लेके आए पूरे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, हम एक नई बात बोलने के लिए आए हैं, हमें जाना भी है। इस देश दुनिया में एक नया तहलका मचा रखा है, उसका नाम है AI। किसने? जोर से बोलो, AI। अब एक नया प्रयोग और होना चाहिए, HI। AI के बाद
एक नई लॉन्चिंग की जरूरत है, एचआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एचआई का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल। जैसे तूफान एआई ने मचाया है अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए, तुम इतने बुजदिल हो, बुरा ना मानना, इतने कायर हो कि तुम्हारी श्रद्धा बेटी के 35 टुकड़े कर दिए, तुम चुप रहे। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी का रेप करके मार दिया, तुम अभी भी चुप हो। रामचरितमानस को बीच सड़क पर जला दिया, जिसके लिए तुम्हारे दादा परदादा मर गए बचाने के लिए, तुम अब भी चुप हो। तुम्हारी बहन बेटी लव जिहाद में पड़ रही है, फिर भी तुम चुप हो। तुम्हारे राम मंदिर में तुमसे ही तुम्हारे भगवान है या नहीं, इस बारे में तुमको 500 सालों तक बरगलाए रखा, फिर भी तुम चुप हो। जहां कृष्ण कन्हैया प्रकट भए, वहां पर अभी भी तुम मंदिर नहीं बना पाए, फिर भी तुम चुप हो। कन्हैया लाल दर्जी को राजस्थान में मारा गया, फिर भी तुम चुप हो। हेमराज आदर्श जैसे छोटे छोटे बच्चों के पेट में चाकू घोंपी गई, फिर भी तुम चुप हो। पालघर में दो दो संतों को पत्थर से पीट दिया सिर्फ हिंदू के नाम पर, फिर भी तुम चुप हो। वो दिन दूर नहीं होगा जब इंदौर भी इस्लामिक हो जाएगा और देश भी गजवाई हिंद हो जाएगा। इसीलिए यहां औद्योगिक जगत के लोग बैठे, एचआई हिंदू इंटेलेक्चुअल का मतलब है तीन चीजों पर फोकस करना। पहला काम, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए, पढ़ा लिखा तर्क के साथ सभ्यवादी हिंदू होना चाहिए। युवाओं को हाथों में मोबाइल और रील की जिंदगी के साथ साथ रियल की जिंदगी पर पुनः उतरना चाहिए। तो एचआई का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, तो पहला इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए, दूसरा यूनिटी ऑफ हिंदू होना चाहिए, एकता में होना चाहिए, भेदभाव जात पात में इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए जब तुम्हारे भगवान राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण विद्रानी के घर पर साग खा सकते हैं। हिंदुओं एक बात और कान खोलकर सुन लो, आज जगतगुरु शंकराचार्य गांव गांव में जाकर के चारों मठों की स्थापना कर सकते हैं, तो हम हिंदुओं को आपस में किस बात पे बटना, किस बात पे छुआछूत करना, अगर तुम इतने ही घृणा करते हो अपने से दूसरे बिरादरी नाम, उसको तुमने कह दिया पिछड़ा, उसको तुमने कह दिया दलित, उसको तुमने कह दिया सफाई कर्मी को मेहतर, बुरा मत मानना, अगर वो मल साफ करता है उससे तुम घृणा करते हो, तो बचपन में तुम्हारी माँ ने भी मल साफ किया, तुम अपनी माँ से घृणा क्यों नहीं करते हो? उससे भी घृणा करो, अगर तुम्हें उससे घृणा है तो उससे भी घृणा करो, लेकिन उससे तुम्हें घृणा नहीं, सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को डाइवर्टेड किया गया कि तुम एक ना हो जाओ, क्योंकि इस्लाम एक है, उनमें भी बहुत सी जातियां हैं, सिया है, सुन्नी है, पठान है, खान है, अंसारी है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हैं।